guys, welcome back to my channel. So as you know from the title, I'm going to do a shopping haul. और मेरा ये पहला haul video होगा, so I'm quite excited about it. First of all, I would like to tell you guys कि ये मैं समझना कि मैं कोई show off कर रही हूँ. I just wanted to give you a review जो भी मेरे पास collection है और जो भी मैंने products buy किए हैं. So yeah, if you are new to my channel, subscribe to my channel and also do follow me on Instagram. This is my Instagram handle and let's get started. सबसे पहले हम चलते हैं नायका की तरफ. तो जो पहला प्रोडक्ट है दैट आई एम गोइंग टू शो यू, दिस इज वेगा 3-in-1 हेयर स्टाइल. जो इसका जो कॉस्ट है वो है 1403 एंड इट इज अमेजिंग, लाइक पर्मिंग, स्ट्रेटनिंग एंड कर्लिंग 3-in-1. मुझे ये प्रोडक्ट सच में बहुत पसंद आया, लेट मी शो यू. और बहुत अच्छा भी है ये, मतलब इसमें हीट का प्रॉब्लम भी नहीं होता एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. और यू कैन जस्ट कर्ल कर सकते हो यहाँ पर, ये स्विच है, यू कैन जस्ट स्ट्रेट योर हेयर्स एंड ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू डू पर्मिंग यू कैन डू लाइक दिस. एंड मैं तो भाई इस प्रोडक्ट की फैन हो गई क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया ये वाला प्रोडक्ट. और मैंने इसको फ्यू डेज बैक ही मैंने यूज़ भी किया था एंड मेरे बाल बहुत जल्दी स्ट्रेट हो गए थे इससे. सो या एंड आई लव दिस प्रोडक्ट. नेक्स्ट अप इज मेकअप प्रोडक्ट्स एंड मेकअप दिस टू आईलाइनर्स आई लव देम अ लॉट. और मुझे ये खासकर स्पेशली दिस ब्लू वाला मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया. दिस इज अ लिक्विड लाइनर और द कॉस्ट ऑफ दिस इज लाइक मेकअप ब्लू कलर का जो इसका जो कॉस्ट है वो है 130 एंड द गोल्डन इज 120, गोल्डन वन ये वाला. एंड यू कैन सी कि मैं अभी भी इसको ब्लू कलर वाला मैंने इसको भी यूज अभी मैं इसका यूज किया और मुझे ये ब्लू कलर वाला बहुत पसंद आया. और आई गेस प्राइस के अकॉर्डिंग दिस इज वर्थ इट. ओके सो नेक्स्ट अप इज दिस हाइलाइटर एंड दिस इज फ्रॉम मेबेलिन न्यूयॉर्क एंड इसका जो शेड है वो है मोल्टन गोल्ड और इसका जो कॉस्ट है वो 358 है. और मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, मैंने इसको काफ़ी बार यूज़ भी किया हुआ है एंड आई लाइक दिस हाइलाइटर. एंड नेक्स्ट वन इज दिस नेल पॉलिश और यू कैन ऑल्सो सी कि मैंने इसको अभी करेंटली मैंने इसको अभी अपने नेल्स पे लगाया है. एंड फ्रॉम फेसेस कैनेडा स्प्लैश और इसका कलर बहुत प्यारा है, इतना ज़्यादा डार्क भी नहीं है. मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद आया और जिस दिन आया था ना मैंने उसी दिन ही इसको ऐसे यूज़ किया था. एंड यू कैन ऑल्सो सी ये बहुत मुझे बड़ा पसंद आया ये एंड द कॉस्ट इज लाइक 93 रुपीज का मुझे ये मिला था. और मुझे ऐसे कलर्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं. सो या ओके इज दिस मिनी लिपस्टिक रेजी रोज और इसका जो कॉस्ट है वो है 199 और ये मिनी लिपस्टिक ज्यादा ही मिनी होगी क्योंकि इसका जो साइज है मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गई कि इसका जो साइज है वो बहुत कम, आप बोल सकते हो इसका जो साइज है बहुत छोटा आया हुआ है. दिस हाउ इट लुक्स लाइक बट नो डाउट इसका जो शेड है वो बहुत ज्यादा प्यारा शेड है. छोटू सी लिपस्टिक है. एंड नेक्स्ट वन इज दिस स्विस ब्यूटी लिक्विड लाइनर एंड इसका जो शेड है वो है 05 मीडियम नियॉन और इसका जो कॉस्ट है वो है 199. इसका जो शेड है ना वो मेरा शेड बिल्कुल भी नहीं है. मैंने जब शेड का थोड़ा सा होता है ना कि वो प्रॉब्लम हो जाती है शेड के साथ, बट दिस इज नॉट माई शेड. दिस इज टोटली नॉट माई शेड और बट ठीक है. बट ये दीदी का शेड है तो फिर मैं उसको दे दूंगी, ये वो यूज कर लेगी. डन विद द नायकास प्रोडक्ट और इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी और आपको ऑर्डर करना हो तो आप ऑर्डर कर सकते हैं. लेट्स मूव टू द मित्रा. सो आई बॉट दिस टी शर्ट फ्रॉम रोस्टर एंड इसका जो कॉस्ट था वो है 329. दिस इज ऑन सेल एंड इसका जो शेड है वो है बीच शेड एंड थोड़ा एंड आई रियली लाइक दिस कलर. मुझे कलर इसका बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. ये दिस इज प्लेन, टोटली प्लेन, बस यहाँ पे रिटेन वर्क है एंड बैक से भी ऐसा ही है बट मुझे इसका शेड बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. नेक्स्ट वन इज ऑल्सो अ टी शर्ट और ये भी
लिया था, इसका जो एमआरपी रेट है, इसका एमआरपी रेट 1500 है, बट इसको मैंने सेल पर लिया था, सो इट वॉज लाइक अराउंड 300 या 400 का मेरे को मिल गया था ये टी शर्ट। एंड दिस इज फ्रॉम मेन्स कलेक्शन, एंड या क्योंकि मुझे कभी कभी लूज टी शर्ट या शर्ट्स पहनना बहुत ज्यादा मुझे भी पसंद है, ऐसे लूज कपड़े पहनना, सो या एंड मेन्स कलेक्शन से है तो थोड़ा सा लूज आएगा, बट आई टोटली लव्ड इट। और इसका जो साइज है वो है एम साइज, मैं इसको ऑर्डर कर रही थी, बस सिर्फ एम साइज का ही एक ही टी शर्ट बची हुई थी, तो मैंने इसको फटाफट से ऑर्डर कर दिया था। तो या बताऊं मैं आपको, क्योंकि मैं तो अकेले ये सब ऑर्डर नहीं करती हूँ, मैं और दीदी मिलके ऑर्डर करते हैं, तो हमने पूरी फुल फैमिली के लिए हमने थोड़ा सा किया था, मम्मी के लिए साड़ी भी ली थी, पापा के लिए टी शर्ट भी लिया था, एंड दो टी शर्ट मैंने आपको शो कर दी जो मेरी लगी है ना टी शर्ट, ये मैंने अपने पापा के लिए ली है, एंड द कॉस्ट ऑफ दिस इज 600 है, प्यूमा की टी शर्ट है, प्लेन ब्लैक टी शर्ट है फ्रॉम दिस एंड दिस, और ये पापा को बहुत पसंद आई थी। और गाइज मैं आपको बता दूं, इन फ्यूचर मैं जरूर इस टी शर्ट को पहनूंगी, क्योंकि मैं इसको स्टाइल भी कर सकती हूँ आगे चल के, एंड मैं डेफिनेटली इसको पहनूंगी और वीडियोस बनाऊंगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं तो अभी जाके फॉलो करें, और दिस इज द टी शर्ट। एंड नेक्स्ट वन इज दिस साड़ी, आई बॉट दिस फॉर माई मॉम, और इसका जो प्राइस है वो है 1096, एंड मैंने 17 से लिया था। I'm sorry if I'm pronouncing it wrong, but guys, अगर आपको साड़ी परचेज मतलब अपनी मम्मा के लिए या किसी के लिए भी साड़ी आपको ऑर्डर करनी है, यू कैन जस्ट गो एंड चेक इट आउट देयर कलेक्शन, उनका बहुत अमेजिंग कलेक्शन है, एंड उसी में से ही हमने ये लिया था, हमने ये ऑर्डर किया था, एंड प्राइस मैं आपको बता चुकी हूँ 1096, एंड इसका जो कलर है वो है पीच एंड ब्राउन सिल्क, दिस इज नॉट प्रॉपर सिल्क, बट या क्वालिटी इज ऑल्सो वेरी नाइस, और इसको भी मैं बहुत जल्दी इसको यूज करने वाली हूँ अपने इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब के लिए, एनी फैशन वीडियोस और लाइक दैट, तो एंड ओके। तो एक और नेक पीस हमने ऑर्डर किया था, वो भी बहुत अमेजिंग था, हमने एक वेबसाइट से ऑर्डर किया था, तो वो जब भी आएगा मैं आपको इंस्टाग्राम पर उसका फोटो एंड प्राइस मैं उसको आप बता दूंगी, सो फॉर दिस स्टे ट्यून्ड ऑन माय इंस्टाग्राम ऑल्सो। तो या आई गेस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, सो कमेंट बिलो इफ यू वांट मोर हॉल वीडियोस, एंड या एंड गाइस लाइक कमेंट सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल बटन, बाय।